बीटा ऑफ गोल्ड फ्रेंड्स बात करें तो जनरली नेगेटिव होता है। नेगेटिव बीटा क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। नेगेटिव बीटा का मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है मार्केट की मूवमेंट और सिक्योरिटी की मूवमेंट। मतलब अगर मार्केट अपवर्ड है, मतलब मार्केट राइज हो रहा है, तो सिक्योरिटी फॉल हो रही है, और मार्केट अगर फॉल हो रहा है सिक्योरिटी राइज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव बीटा। अब गोल्ड का बीटा नेगेटिव क्यों होता है, ड्यू टू टू रीजन। फर्स्ट वन इज द परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर, सेकेंड वन इज द नेचर ऑफ द गोल्ड। लोगों की परसेप्शन क्या होती है, जब मार्केट क्रैश होता है, मार्केट अगर डाउनफॉल जाता है, तो लोग सोचते हैं कि मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, तो स्टॉक को लिक्विडेट करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने पैसे को पार्क करते हैं और मोर सेफर साइड, जो कि उनको गोल्ड या गोल्ड स्टॉक के फॉर्म में दिखता है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू ओवर द टाइम अप्रिशिएट होती है। लोग गोल्ड स्टॉक परचेज करना स्टार्ट करते हैं गोल्ड, ड्यू टू विच एक गोल्ड में बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, गोल्ड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है ओवर द टाइम। और वाइस वर्सा अगर मार्केट बुलिश रहता है, तो लोग गोल्ड अपने लिक्विडेट करते हैं और स्टॉक में रखते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि पीपल्स को, इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि गोल्ड से अच्छा रिटर्न उनको उनकी सिक्योरिटी देके चली जाएगी।